हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक सनस्क्रीन की जो वीडियो है वो शेयर करने जा रही हूँ। कैसे आप घर पे सनस्क्रीन लोशन बना सकते हो। और सनस्क्रीन लोशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जो हमारी यूवी रेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सनस्क्रीन लोशन चाहिए होता है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है काफ़ी काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, और घर पे ही आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। और आजकल कुछ न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी कि जैसे आप जो भी मार्केट से लाते हो सनस्क्रीन लोशन, उनमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसमें जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि आपने क्या यूज़ करा है और आपने किससे बनाया अपना प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही थी। और आपकी स्किन जो है वो आपके जो भी आप कुछ अप्लाई करते हो उसका 70% उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये चॉइस भी आपकी होनी चाहिए, आप क्या लगाते हो अपनी स्किन के ऊपर। तो चलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ सनस्क्रीन की रेसिपी। तो आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगेगी, और आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सनस्क्रीन। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट आपको चाहिए उसमें लेवेंडर है, जिंक ऑक्साइड है, और ये बी वैक्स है, और ये है कोकोनट ऑयल, और ये है वीटजम ऑयल। वीटजम ऑयल होता है ये बहुत ही रिच होता है विटामिन ई से और ए से। और इसका सब्स्टिट्यूट अगर आप चाहें तो आप इसमें एलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और वो भी काफ़ी अच्छा है। एवोकाडो का ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और थर्ड वन है एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। बट ये सबसे ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होता है, इसमें विटामिन ई और ए काफ़ी मात्रा में होता है। रेटिनॉल, जैसे ए रेटिनॉल के लिए किया जाता है, और विटामिन ई तो आपको पता है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ ड्रॉप्स मैं यहाँ पे रोज़हिप ऑयल के डालूँगी, और एक दो कोई भी आप एसेंशियल ऑयल डालिएगा, क्योंकि एसेंशियल ऑयल के एक या दो ड्रॉप भी चाहिए, वो सिर्फ इसको प्रिजर्व करता है। और क्वान्टिटी मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ। एक टेबल स्पून यहाँ पर लेवेंडर सीड्स का ले रही हूँ, इसका हम इन्फ्यूज्ड वाटर बनाएंगे। ये मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, और ये और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, इसलिए ये एक बार आप बनाओगे तो आपका बहुत देर तक चल जाएगा। ये एक गिलास पानी लो और उसको बॉयल होने के लिए रख दो। आपको इसमें सीड्स डाल देने हैं। दो तीन मिनट के लिए इसको बॉईल कीजिए। यहाँ पे मैंने एलोवेरा का जूस डाला है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस बंद कर दे रही है, इसको ठंडा कर लेना है। आप इसको छान लेना और इसको ठंडा कर लेना। अब आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी लेना है और गैस ऑन कर दे दिए। अब जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। वीटजम ऑयल डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून, कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। और अगर आपको वीटजम ऑयल नहीं मिलता, वैसे ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, तो आप इसमें एलमंड ऑयल भी ले सकते हो, और या फिर आप एवोकाडो ऑयल भी ले सकते हो, और ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। और एलोवेरा का जो ऑयल है वो मैं आपको बना के बताऊँगी एक बार, फिर आप वो भी ले सकते हो। पर आपको कुछ भी नहीं मिले तो आप एलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। अब मैं इतनी देर पे लेवेंडर वाटर जो था इन्फ्यूज़ करा हुआ था मैंने, वो हम गर्म करके रख लेंगे। तो पहले आपको 1 टेबलस्पून जो है जिंक ऑक्साइड डालनी है, उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कुछ भी लम्स ना बचे। और गैस यहाँ पे स्लो कर दीजिएगा, और धीरे धीरे इसको हीट लगती रहे। अब यहाँ पे हमें बी वैक्स को ऐड करना है। आप आधा टेबल स्पून ले लीजिएगा, या 3/4 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको भी अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब आपको लेवेंडर वाटर को इसमें मिक्स करना है, 1-1 टेबलस्पून करके मिक्स कीजिएगा। और इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप छू के एक बार देख लीजिएगा पानी को, और अगर आपको लगे कि नहीं है तो माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा। दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और जैसे ही लगे कि ये वाटर बिल्कुल मिक्स हो गया तो उसी वक्त आप मिक्सिंग करना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये पानी अलग हो जाएगा।
इन्फ्यूज़ वाटर है उसके ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ही जाते हैं इसमें। अब इसमें 4 ड्रॉप्स में है रोज़ हिप ऑयल के डालूंगी और 2 ड्रॉप्स में सैंडलवुड ऑयल के डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल लेवेंडर हो तो वो भी डाल दीजिएगा, और एसेंशियल ऑयल लेमन एसेंशियल ऑयल कोई भी हो उसके 2 ड्रॉप डाल दीजिएगा और इस ये मिक्स कीजिएगा। और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, अगर आप ओवर मिक्स कर दोगे ना तो पानी अलग हो जाएगा और ये जैसे हम बटर बनाते हैं ना सेम वो प्रोसेस है, तो वो एक तरफ हो जाएगा और पानी एक तरफ। बस ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, मिक्स हो जाए, ये लिक्विड तैयार है और अब आप लगाइए इसको। अब ये ठंडा हो गया है और मैं इसको बॉटल में भर लूँगी और ये हमारा संस्कृत तैयार हो गया है। आप इसको बाहर जाएँ तो ज़रूर लगाएं और घर पे भी ज़रूर लगाएं। जब आप काम स्टार्ट करें ना सुबह तो आप इसको अप्लाई कीजिए फेस पे, इससे आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा आपकी स्किन को और आपकी स्किन एकदम प्रोटेक्ट रहेगी। ये आप 4 से 5 साल के बच्चों को भी लगा सकते हो, मैं अपनी बेटी को भी लगाती हूँ। आपने एक बार ये बना लिया आप मार्केट से कभी नहीं लाओगे। जैसे कोई भी डिटेलिंग छूट जाए तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और आप घर पे बनाओ ये संस्कृत, बहुत ही आसान है बनाना। ये इंग्रीडियंट जो है ये 1 टाइम परचेज है और आपके बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में और भी काम आएंगे जो मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।